सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। एशिया कप 2018 में हिस्सा लेने के लिए आज भारतीय टीम के 7 सदस्य दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 18 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ करेगी। वहीं 19 सितंबर को टीम इंडिया अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। ये 7 खिलाड़ी हुए रवाना। आज टीम के 7 खिलाड़ी दुबई के लिए रवाना हुए हैं। इसमें टीम के कप्तान रोहित शर्मा, विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी, चाइनामैन कुलदीप यादव, लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और आईपीएल में चोटिल होने के बाद टीम में वापसी कर रहे केदार जाधव, मनीष पांडे और टीम में पहली बार शामिल किए गए खलील अहमद शामिल हैं। दुबई के लिए निकलने से पहले कई भारतीय खिलाड़ियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा की। टीम इंडिया 2 जत्थों में यूएई जाने वाली थी। पहले 7 खिलाड़ी आज निकल गए हैं और बाकी के 9 खिलाड़ी 16 सितंबर को रवाना होंगे। कुछ खिलाड़ी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज का हिस्सा है और अभी भारत पहुँचे ही है। यही कारण है कि वो देरी से दुबई पहुंचेंगे। भारतीय टीम एशिया कप की गत विजेता भी है। इस सीरीज के लिए टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली को आराम दिया गया है। रोहित शर्मा को कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है और वहीं उनके सलामी जोड़ीदार शिखर धवन को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।